देश भर में अभी तक कोरोना वायरस का आंकड़ा 2,96,00,000 के पार कर चुका है। वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश में आंकड़े काफी तेजी से बढ़े हैं। फिलहाल एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट्स अब तक सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और लोगों को संक्रमित कर रहा है। डेल्टा वेरियंट सबसे खतरनाक। स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस पर हुई एक रिसर्च में कहा गया कि भारत में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट्स ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। स्टडी के अनुसार कोरोना वैक्सीन के जरिए इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। स्टडी में कहा गया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की 2 डोज डेल्टा वेरिएंट्स से शरीर को काफी मजबूत इम्यून सुरक्षा प्रदान करती है। अस्पताल में भर्ती होने का खतरा दोगुना। स्कॉटलैंड में 54,00,000 लोगों पर हुई इस रिसर्च को द लेसेंट पत्रिका में प्रकाशित किया गया। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेंथ क्लाइड के एक प्रोफेसर क्रिस रॉबर्टसन का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट्स के कारण संक्रमण होने का खतरा अल्फा वेरिएंट्स की तुलना में दोगुना है। वहीं कोरोना वायरस के अल्फा वेरिएंट्स के कारण अस्पताल में भर्ती होने का खतरा दोगुना बढ़ जाता है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई तमाम खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बनी रही हमारी चैनल के साथ।